सुप्रभात बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बच्चों आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा होगा व इसका अभ्यास भी किया होगा। अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। बच्चों आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि अपठित गद्यांश का अभ्यास क्यों किया जाता है। तो बच्चों अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से विद्यार्थियों में गद्य के भाव को समझकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्षमता का विकास होता है। तो विद्यार्थियों अपठित गद्यांश हल करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक दो बार पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को पढ़िए व समझिए। गद्यांश को पढ़ते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर रेखांकित कीजिए, मतलब अंडरलाइन कीजिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही छांटकर अपनी सरल भाषा में लिखें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाता है बच्चों, तो गद्यांश पढ़ने के बाद स्वयं से ही यह प्रश्न करें कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है। गद्यांश के विषय के आधार पर शीर्षक का चुनाव कीजिए जो कि 3 या 4 शब्दों से अधिक न हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अपठित गद्यांश कैसे हल करना है। विद्यार्थियों आपके सामने यह एक अपठित गद्यांश हल किया हुआ है, जिसे पढ़कर आप और अच्छी तरह से अपठित गद्यांश समझ सकेंगे।